हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पनीर हैदराबादी। जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले उसमें चाहिएगा प्याज, ये हमने एक बड़ा प्याज काट लिया है, 3 टमाटर, हरी मिर्च, ये हमने 3 हरी मिर्च काट ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च और नमक जितना आपके स्वाद के अनुसार हो। खड़े मसाले में हमने लिया है जीरा, 4-5 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची और 2-3 लौंग। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, गरम मसाला, कसूरी मेथी और 1 चम्मच जीरा। ये जीरा हमने भून के पीसा हुआ है। साथ ही हमने लिया है 3 बड़े चम्मच दही और 2 बड़े चम्मच क्रीम। इसी के साथ हमने लिया है 100 ग्राम पालक जो हमने धोकर काट लिया है और 200 ग्राम पनीर जिसके हमने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ा सा लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। प्याज के साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। पिंक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। ऐड करेंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और पालक। इन्हें ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट तक पे मंदी आंच पे आपको पकाना है। ये देखिए, ये पक चुका है। अब इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब एक बर्तन में तेल लेंगे, यहाँ तेल हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है, इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले। तो पहले हम थोड़ा सा जीरा डालकर भून लेंगे। इसके बाद हम बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। ब्लैक नहीं करना है, अब मसालों में से जो देगी मिर्च है उसको हम पहले डाल देंगे। सिर्फ उसको डालना है, चलाना है और बाकी सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा पानी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने ग्रेवी बनाई थी। इसे भूनेंगे। इसको भूनेंगे, ये हमने सिर्फ 2-3 मिनट तेज आंच पर भूनना है।
3 मिनट बाद डालेंगे इसमें दही। दही को लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाता है। ये दही हमारा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मेरी रेसिपी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा सब्सक्राइबर परिवार बहुत बड़ा हो सके। ये देखिए, मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे गरम मसाला। कसूरी मेथी और भुना हुआ जीरा, इन्हें अच्छी तरीके से मिला देंगे और बस इसे 2 मिनट की और भाप लगानी है आपने और तैयार है। ये देखिए, तैयार है मज़ेदार हमारा पनीर लबाबदार, सॉरी हैदराबादी पनीर, एकदम मज़ेदार। जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप हैदराबाद घूम के आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।